Hey guys, welcome back to my channel. तो गाइस पिछली वाली वीडियो में याद ही होगा हम इस केव के अंदर भटक रहे थे और हमें पांच मशरूम मिले थे आई थिंक. हाँ गाइस हमें पांच मशरूम मिले थे और गाइस हमने यहाँ पे लॉस्ट ड्रैकोस के बॉस को देखा था भाई. तो आपको याद ही होगा लास्ट एपिसोड में एंड में गाइस हमने देखा था उनकी बात सुनी थी. तो वो किसी फ्रैगमेंट मतलब देखो गाइस हमारे पास है वो पहले से, मैं आपको दिखा देता हूँ. तो गाइस मुझे लग रहा है वो इसके पीछे पड़े हैं गाइस. जो फ्रैगमेंट दिख रहा है ना इसके पीछे पड़े हैं वो जेमस्टोन के पीछे पड़े हैं मुझे ऐसा लग रहा है. तो वो तो हमारे पास है और उनका बॉस भी वहीं पे है गाइस. वो तीन बंदे हैं भाई. मुझे थोड़ा सा मतलब देखो भाई अभी यहाँ पे 21-23 लेवल है तो लेवल थोड़ा हमारा कम है इसीलिए मैं उनसे लड़ने के लिए थोड़ा सा इतरा रहा हूँ. लेकिन मैंने यहाँ पे एरोनॉट सामने रख लिया है, आपको याद ही होगा सारे के सारे इलेक्ट्रिक टाइप को सामने बेच रहे हैं पहले, तो हमारे लिए एडवांटेज है गाइस. और हमने अभी तक अपने रॉक चैंपियन को नहीं ढूंढा गाइस. रॉक चैंपियन कहाँ पे है मुझे नहीं पता गाइस. आज की वाली वीडियो में हो सके तो उसको ढूंढेंगे. सबसे पहले जाते हैं गाइस इसके बॉस को चैलेंज करते हैं, देखते हैं भाई इसके बॉस को चैलेंज कर सकते हैं या फिर नहीं. और हाँ गाइस आपको याद होगा हमें यहाँ पे वाटर पोकेमोन मिल रहे हैं. वाटर पोकेमोन है ड्रैकोमन. यहीं पे कहीं पे लेक होना चाहिए गाइस. एक बंदे को हमें लेक का पानी लेके जाना है. तो बहुत सारे काम है गाइस, बहुत सारे काम है, वक्त बहुत कम है. चलो जी गाइस फिलहाल का चलते हैं उनको चैलेंज करते हैं. मुझे नहीं पता मैं तीनों से जीत पाऊंगा या फिर नहीं क्योंकि उनका बॉस आ चुका है गाइस. चलो भाई जो भी हो देखते हैं गाइस. चलो जी निकलते हैं, आ जाओ तुम्हारी भैंस की. अबे भाई हमारे बेइज्जती कर रहा है गाइस. ओ भाई साहब ये छोटी मोटी प्रॉब्लम मैं तुम्हारे सर पे छोड़ता हूँ, सब बोल के जा रहा है गाइस. इन बंदों को छोड़ के जा रहा है गाइस हमारे लिए. डू नॉट फेल मी अगेन. तो ये हमें देख लेगा सब बोल रहा है गाइस. चल भाई आजा देखते हैं तुझमें कितना दम है. लेकिन इनका बॉस जा रहा है गाइस. अबे यार इसके बॉस को फिर से हमें ढूंढना पड़ेगा भाई. चलो जी कोई बात नहीं गाइस, कोई बात नहीं ढूंढ लेंगे. इसका डिफेंस डिक्रीज करते हैं, आज थोड़ा सा स्ट्रेटजी अपनाएंगे गाइस. चलो डिफेंस डिक्रीज करते हैं उसके बाद अटैक कर देंगे, पावरफुल अटैक लगेंगे इसको. एयर शॉक से अटैक करते हैं, बड़े अटैक है अपने ने, कोई बात नहीं एयर शॉक से अटैक करते हैं. डैमेज बहुत ज्यादा मिलेगा भाई. ओ भाई साहब डिफेंस डिक्रीज करना बहुत ही अच्छी बात है गाइस हमारे लिए भाई, अपोनेंट के लिए नहीं. चलो जी एक तो गया, इसका भी डिफेंस डिक्रीज कर देता हूँ मैं. अरे नहीं मैंने एयर शॉक अटैक कर लिया, फक डूड. कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ये हमारा अटैक पावर डिक्रीज करेगा. चलो जी पता है पता है. तो हम अपने पायरन को निकाल लेते हैं भाई. चलो जी भाई ये हर बार आता है ना अटैक पर डिक्रीज कर देता है तो हमें इसे संभाल के रहना पड़ेगा. और हमने सब कुछ हील कर लिया है, बस स्टैमिना एक नहीं डाला है गाइस. कोई बात नहीं स्टैमिना डालूंगा भाई, थोड़ा बहुत यूज कर लेता हूँ पहले स्टैमिना. चलो जी आखिरी अटैक क्रैश अटैक करने से निपट जाएगा आई थिंक, नहीं बाइट अटैक करने से. चलो जी 25 लेवल होने वाला है इतना पैरानॉइड का. अब एक नया मूव मिलने वाला है. और अगर आपको बैकग्राउंड में कोई भी आवाज़ सुनाई दे रहा है शोर सुनाई दे रहा है तो उसको व्यूज कर लो गाइस. अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ऑल नोटिफिकेशन पर सेलेक्ट कर लो गाइस इसको. चलो जी फिर से एक फायर बॉल, लेकिन उसने स्पीड डिक्रीज किया. चलो कोई बात नहीं फायर बॉल ये गया गाइस. चलो जी अच्छा खासा लेवल मिलना चाहिए हमें भाई साहब. और दो बैटल लड़ेंगे तो हमारा 24 लेवल हो जाएगा गाइस. चलो जी अबे ये भी आ गया भाई. चलो कोई बात नहीं हमारा टाइप सामने ही है गाइस. तो पहले तो उसकी डिफेंस डिक्रीज करते हैं. अटैक कर ले बेटा अभी दिखाता हूँ तुझे. डिफेंस डिक्रीज करते हैं इसकी. चलो जी ये बिना बात अभी एयर शॉक से अटैक करते हैं गाइस. आई थिंक उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है गाइस इसीलिए उसको पहला अटैक मिल रहा है. कोई बात नहीं. ओ भाई साहब ओपी गाइस स्क्रैच अटैक करते हैं हील कर. अरे नहीं मुझे एयर शॉक से अटैक करना चाहिए था. कोई बात नहीं निपट गया, इससे भी निपट गया. चलो जी इस बार मुझे ध्यान रखना है, मुझे इस बार डिफेंस अपोनेंट का डिक्रीज करना है. चलो जी अभी ना बात अभी ये हमारा अटैक पर डिक्रीज करेगा. कोई बात नहीं हम अपने पैरोनेट को निकाल लेते हैं बाहर. तेरी भैंस की आजा. ओ भाई अरे नहीं कोई बात नहीं, इसका डिफेंस भी डिक्रीज है ना तो ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन अभी फर्क पड़ेगा इसके बाद. चलो डिफेंस इसका नॉर्मल हो चुका है गाइस, अभी इसको तीन अटैक में निपटना पड़ेगा. फक यार कोई बात नहीं बाइल अटैक करते हैं फिनिश करते हैं इसको. चलो जी यार बैकग्राउंड में जो भी शोर है उसको इग्नोर करो गाइस, मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ. चलो जी बाइल अटैक करते हैं गाइस. बाइल अटैक नहीं भाई फायरबॉल अटैक करते हैं भाई. आज क्या हो गया मुझे कुछ भी बोला जा रहा हूँ. चलो जी फायरबॉल, ये बैकग्राउंड में जो शोर होना गया इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ भाई. आई थिंक लेवल अप भाई थोड़े में. अगर हम कोई भी पोकेमोन को चैलेंज कर लेंगे ना, मतलब ड्रैकोमोन को चैलेंज करेंगे ना, तो 24 लेवल हो जाएगा अपने पायरोनेट का. ओ भाई ये कहाँ से आ गए, ये कौन है भाई. डिड वेल आई थिंक ये वही पुलिस ऑफिसर है गाइस जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं ना, वही है गाइस. इसके बाद से ये सब कुछ देखेंगे सब बोल रहे हैं गाइस. इसकी सीने पे देख रहे हैं यहाँ पे स्टार लगा हुआ है गाइस. तो गाइस ये ऑफिसर ही है, ये दोनों बंदों को लेके जो अपने ऑफिस पे ऐसा बोल रहा है गाइस. तो इनके लीडर को देख लेगा ऐसा बोल, भाई ये मुझे तगड़ा बंदा लग रहा है ये. अरे मैम मतलब ये मैम इसका मतलब ये चैंपियन है अपनी. अरे भाग गया क्या लीडर, ये बोल रही है गाइस कि हम बहुत ही बुरा लीडर को कैच कर नहीं पाए. यार लीडर भाग गया क्या,
लेकिन उन्होंने सारा कैश जो है गाइस मतलब कैसीनो से चुराया था ना कैश, वो सब कुछ रिस्टोर कर लिया है, मतलब वापस ले लिया है। थैंक्स फॉर योर हेल्प। नो प्रॉब्लम मैम, लेट्स गो गाइस। तो ये हार्ली है भाई, रॉक चैंपियन। हाँ, हम रॉक बैट्स के लिए आए हैं, तो हमें दे दो वरना बैटल लड़ो हमसे। तो अरिना पे ये बैटल लड़िए गाइस, मतलब हमें मतलब जिम पे वापस जाना है गाइस हमें इसके। चलो जी, रॉक जिम पे चले जाएंगे वापस। ओ भाई, दोनों को हरा दिया। चलो जी, आगे चल के देखता हूँ यार, उनका बॉस यही से तो भागा था, मुझे मिल सकता। अरे कितने मशरूम है यहाँ पे। चलो जी, एक्स्ट्रा मशरूम मिल रहे हैं हमें, उनको रख लेते हैं। नहीं नहीं, इसे बैटल नहीं लड़नी है मुझे, 18 लेवल का है। भागने की ट्राई करता हूँ, अटेम्प्ट फेल, कोई बात नहीं। यार इतनी देर से साउंड थोड़ा ज़्यादा था क्या, मैं अब्जॉर्व नहीं कर पाया। तो अगर ज़्यादा था तो सॉरी गाइस, अभी ठीक होगा। चलो जहाँ पे स्टोन है, स्टोन को तोड़ते हैं। वहाँ पे गाड़ी खड़ी है गाइस, यार उसका यूज़ क्या है मुझे अभी तक पता नहीं चला। चलो जी, फिर से ट्राई करता हूँ, शायद से हम दूसरे जगह निकल जाएंगे। ओ भाई, एग्जिट हो गए। अच्छा जी, यहाँ से अंदर जाना था। चलो जी भाई, इतना नज़दीक तो नहीं था ये, पहले नहीं था गाइस। यार हम वहीं पे आए हैं ना, आई थिंक गाइस हम वहीं पे आए हैं। ओ भाई गाइस फाइनली, लेकिन मुझे लेक का पानी नहीं मिला, तो मैं मिस कर दिया गाइस वहीं पे। भाई साहब, चलो कोई बात नहीं, फिर कभी लेक का पानी लेके आ जाएंगे। सबसे पहले मैं जाके हील कर लेता हूँ मैं अपने ड्रैकोमोन, बहुत ज़्यादा डैमेज है वो। चलो जी, हील कर दीजिए प्लीज़, थैंक यू सो मच। चलो जी, निकलते हैं बाहर, और मुझे उसको मशरूम एक काम करते हैं ना, फिर कभी दे लेंगे भाई, अभी अर्जेंट क्या, नहीं नहीं मशरूम दे देते हैं भाई। चलो जी, यहाँ पे चलते हैं, अंदर चलते हैं, मशरूम उसको वापस दे देते हैं। इसी बंदे को आई थिंक, नहीं ये आई थिंक इसको वाटर चाहिए था। चलो इसको नहीं चाहिए गाइस, इसको नहीं चाहिए। आई थिंक एक लेडी थी, हाँ भाई लेडी थी ना, अरे यार मैं भूल कैसे गया। तो गाइस इस वाले घर में है वो लेडी, तो हमें इसको देना है मशरूम इसके पेट के लिए गाइस। इसके ड्रैकोमोन को मशरूम बहुत पसंद है। चलो जी, 5 मशरूम उसको दे देते हैं, बहुत ही बढ़िया, $150। चलो थैंक यू सो मच, थैंक यू, हमने उसको काम किया है भाई। चलो गाइस, और हाँ गाइस, मैंने उसको वाटर, उसने मुझे बॉटल तो दी है लेकिन मैंने वाटर लाना भूल गया, तो वापस चलते हैं गाइस, उसका वाटर भी लेके आते हैं गाइस। देखते हैं यही कहीं पे तो होना चाहिए, वापस किससे देते हैं भाई ये। चलो कोई बात नहीं, हमें भी कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, लेकिन इस बार हमें कुछ भी नहीं मिला। चलो जी कोई बात नहीं, निकलते हैं गाइस। आई थिंक मुझे थोड़ा बहुत यहाँ घूम लूँगा तो मिल जाएगा। फिलहाल के लिए हम अपना लेवल अप करते हैं भाई, मैं भूल चुका था हमारा लेवल भी अप करना है ना, तो उसके लिए डिफेंस डिक्रीज कर देते हैं और हमारे फायर राउंड को बाहर निकाल लेते हैं। भाई उसने इंक्रीज कर लिया, हम डिक्रीज कर देते हैं। अच्छा भाई, इंक्रीज किया वो फेल हो जाएगा। चलो जी ये भी बढ़िया है, फायर राउंड को बाहर निकाल लेते हैं। आजा तेरी भैंस की, कोई बात नहीं, फायर बॉल सटा करते हैं, फिनिश। ओ भाई, इतने में बच गया ये, बड़ा करते हैं, फिनिश करते हैं इसको। कैंट, अरे यार स्टन हो गया भाई, डिफेंस इंक्रीज कर लेगा तो चलेगा, ये जितना चाहे तो इंक्रीज कर ले भाई। चलो भाई, स्टन हट गया गाइस, अभी हम इसको अटैक कर सकते हैं। बाय बाय, लेवल अप हो जाना चाहिए जहां तक मुझे लगता है गाइस। लेवल अप, लेट्स गो गाइस, 24 लेवल हो चुका है हमारा। ओ भाई साहब, क्या बात है। तो मुझे थोड़ा यहाँ पे घूमना चाहिए, यहाँ पे एक बंदा था गाइस, मैंने उसको चैलेंज किया, डिफीट भी कर दिया उसको। भाई साहब, अभी कहाँ पे ढूंढूं भाई वो लेक को मैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक लॉस्ट ड्रैकोस का बंदा है, आई थिंक आगे हो सकता है, इसको चैलेंज करते हैं, आगे बढ़ते हैं गाइस। चलो जी, आई थिंक मैं बहुत करीब हूँ गाइस, मतलब यहाँ पे अलग अलग बंदे मिल रहे हैं, आई एम श्योर गाइस यही कहीं पे तो है वो। इसकी डिफेंस डिक्रीज करते हैं, इसको फिनिश करते हैं गाइस, जल्दी जल्दी फिनिश करते हैं, आगे बढ़ते हैं। डिफेंस ये गया है इसका, अभी इसकी ऐसी की तैसी करता हूँ, रुको, एयर चौक से अटैक करते हैं। हील किया जा रहा है, हील पे हील किया जा रहा है, क्या ही बोलूंगा, अभी हील कर ले। ओ भाई, एक ही अटैक में निपट गया, देख रहे हो भाई कितना पावरफुल चुका है हमारा एरोनाइट। डिफेंस इसका भी डिक्रीज कर देता हूँ मैं। चलो जी, ये गया इसका डिफेंस डिक्रीज, इस बार इसने हमारा अटैक डिक्रीज नहीं किया है, तो मैं एयर शॉक से अटैक करता हूँ, मुझे पता है ये पक्का करेगा। चलो जी, आधी से ज़्यादा HP गई इसकी। ओ भाई, अटैक पर अटैक किया जा रहा है, मुझे लगा ये हमारा अटैक पर डिक्रीज करेगा नहीं, लेकिन इस बार उसने नहीं किया। चलो जी, फिर से हम इसका डिफेंस डिक्रीज करते हैं, अभी चेंज कर लेंगे भाई, क्योंकि XP बांटनी है भाई मुझे, अकेला ले जाएगा वरना ही भाई, अपने ग्रास टाइप को भी मुझे थोड़े XP देनी चाहिए। चलो कोई बात नहीं यार, अभी क्या ही देना, पैरों ने संभाल लेगा सब कुछ। फायर बॉल से अटैक करते हैं भाई साहब। चलो जी, खत्म हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। चलो जी, ये भी ना बात, लेट्स गो गाइस, आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ पे एक मशरूम है, मशरूम कलेक्ट करते हैं भाई। नहीं यार, यहाँ पे भी वाटर नहीं है गाइस, मतलब लेक कहाँ पे है गाइस,
यार अगर आज मुझे नहीं मिला तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ कि कहाँ पे मिलने वाला है लेख।